द्वारा गोंदिया जिला शिक्षा सूचना प्रणाली को ऑनलाइन कर दिया गया है। इस प्रणाली के माध्यम से राज्य बोर्ड, CBSE, IGCSE आदि गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 1 से 12वीं तक शिक्षा प्रदान करने वाले प्रबंधन के सभी माध्यमों की जानकारी एकत्रित की जाती है और कंप्यूटरीकृत किया जाता है। स्कूल में क्या है क्या नहीं, स्कूल का प्रोफाइल क्या है, स्टाफ की स्थिति क्या है, स्कूल की भौतिक सुविधाओं और शिक्षकों की जानकारी के साथ साथ इस वर्ष छात्रों की भी जानकारी, छात्रों के वजन, ऊंचाई और ब्लड ग्रुप की जानकारी देनी होगी। गोंदिया जिले में 1645 स्कूल हैं, उन सभी स्कूलों ने सूचना प्रणाली पर अपलोड कर दिया है और गोंदिया जिला राज्य में शीर्ष पर आ गया है। गोंदिया जिला UDIS प्लस प्रणाली में सत्र 2023-24 के लिए डेटा प्रविष्ट पूरा करने वाला पहला जिला है। राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित करते हुए अनुदान वितरित किया जाता है। इन योजनाओं को लागू करने, अनुदान आवंटित करने, उनकी योजना को व्यवस्थित करने और स्कूलों के बारे में व्यापक जानकारी प्रदान करने के लिए UDIS प्लस प्रणाली विकसित की गई है। सभी स्कूलों, छात्रों की संख्या, विकलांग छात्रों को दी जाने वाली सुविधाएं, शिक्षक प्रशिक्षण, स्कूल अनुदान आदि का विवरण अपलोड किया गया है। UDIS की जानकारी भरने में गोंदिया जिला राज्य में अव्वल है। आपल्या शिक्षण विभागामार्फत चालवण्यात येणाऱ्या सर्व शाळांसाठी आणि सगळ्या प्रशासनासाठी एक महत्त्वाचा असलेला डेटा म्हणजे आपला UDIS प्लस हा डेटा असतो। या UDIS प्लसच्या डेटामध्ये सर्व विद्यार्थ्यांची, शाळांची, शिक्षकांची इत्यंभूत माहिती, ज्याच्यामध्ये पायाभूत सुविधा असतील, विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक गुणवत्ता असेल, विद्यार्थ्यांची संख्या असेल, शाळांमध्ये उपलब्ध असणाऱ्या सोयी सुविधा, ही सगळी माहिती या ठिकाणी आपल्याला भरावी लागते। आणि या माहितीचा उद्देश असा असतो की शासनाकडून वेळोवेळी केल्या गेलेल्या योजना, त्यांच्याकडून वेळोवेळी देण्यात येणारे अनुदान, यांच्यासाठी एक डेटा, एक बेसिक डेटा म्हणून UDIS-वरून माहिती घेतली जाते। आणि त्याच्यासाठी प्रशासनाच्या दृष्टिकोनातून, शैक्षणिक विकासाच्या दृष्टिकोनातून ही माहिती जी असते अत्यंत महत्त्वाची असते। आणि दरवर्षी ही एक्सरसाइज ही केली जाते आणि मला या ठिकाणी सांगताना आनंद होत आहे की दरवर्षीप्रमाणे यावर्षीसुद्धा गोंदिया जिल्ह्याने रेकॉर्ड वेळेमध्ये सगळ्यात आधी, संपूर्ण राज्यामध्ये सगळ्यात आधी ही माहिती जी आहे ती पूर्ण केलेली आहे। आपल्या गोंदिया जिल्ह्यातील 100% शाळांची, आपल्या गोंदिया जिल्ह्यामध्ये एकूण 1645 शाळा आहेत, या सर्व शाळांनी 100% माहिती ही संपूर्णपणे भरलेली आहे आणि त्याच्यामुळे संपूर्ण राज्यामध्ये आपण सध्या सगळ्यात आधी ही माहिती पूर्ण केलेली आहे। याच्यासाठी आपल्या सगळ्या शाळांची, सगळ्या मुख्याध्यापकांची, सर्व प्रशासकीय यंत्रणेची व सर्व शिक्षण विभागातील सहकाऱ्यांची मदत लाभली, त्यांच्यासाठी मी त्या सगळ्यांचे मनापासून धन्यवाद देतो। गोंदिया से BCN न्यूज के लिए अभिषेक भटनागर की रिपोर्ट।